भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, ब्रजेश सिंह जी, जसवंत सैनी जी, माननीय सांसद और केराना लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राघव लखनपाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी नेतागण और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आज सहारनपुर में यहां पर उपस्थित सभी सहारनपुर के मेरे बहन और भाइयों, आदिशक्ति मां भगवती शाकंभरी की इस पावन धरा पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सहारनपुर वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्थापना दिवस के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे लिए संगठन ही सेवा है। याद करिए, कोरोना जैसी महामारी के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को यह मंत्र देकर के जनता जनार्दन की सेवा को उस महामारी में बचाने के लिए समर्पित किया था। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज देश के अंदर आम जनमानस के विश्वास का प्रतीक बन करके मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। आज जब हम लोग सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देश के अंदर जब 2024 के लोकसभा का चुनाव की शुरुआत हुई है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये नंबर एक की लोकसभा है, सहारनपुर से ही शुरुआत होती है। और सहारनपुर में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम एक ऐसे भारत का दर्शन कर रहे हैं जो भारत दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज जाना जा रहा है, जो भारत सुरक्षित भी है, जो भारत आज अपनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है, जो भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए आज भारत दुनिया को दे रहा है। और यही नहीं,
गरीब कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए, इसका मॉडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का यह मॉडल केवल यहीं तक सीमित नहीं है। नौजवान की आजीविका हो या भारत की आस्था का सम्मान, पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के लिए, लेकिन आज कोई हिचक नहीं। जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं। और वही बैरियर आज जब धीरे धीरे इस करके समाप्त हुए हैं तो एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं, नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ही बना रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है आज सहारनपुर में नए भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहे होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, देश का मॉडल कैसा होना चाहिए, कोरोना कालखंड में दुनिया ने देखा। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतनी बड़ी आबादी जी सकती है, वहां की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उस कालखंड में कैसे दी जानी चाहिए, कैसे प्रबंधन, कोविड प्रबंधन कैसे होना चाहिए, दुनिया भौचक थी। क्योंकि हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व मोदी जी का था, कोरोना प्रबंधन का हो, विकास का मॉडल का हो, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का हो। और अब तो दो दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 2021-22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है यह वही बता सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो, दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे, आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है और आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। दुनिया को इस समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नेतृत्व देगा। यह मोदी जी के नेतृत्व में साकार होगा, इसमें कोई संदेह अब किसी को भी नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने अमृतकाल में हम सबको एक विकसित भारत की संकल्पना दी है और विकसित भारत के लिए आज पूरे देश के अंदर एक नई बहस प्रारंभ हुई है। ये चुनाव भी विकसित भारत को किस रूप में हमें आगे बढ़ाना है, आपका एक वोट, जनता जनार्दन का एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कैसे निर्णायक साबित हो सकती है। 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का
यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है और हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। इस विश्वास के साथ 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से सिले का आवाज आ रही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक ही आवाज है और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार। तो यह आवाज के साथ हम सबको जुड़ जाना है और बहनों भाइयों, इसका आधार बनेगा एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जाने का, एक एक मतदाता को मतदान केंद्र में ले जाने का। क्या आप लेकर के जाएंगे? मोदी जी को इस बात के लिए आश्वस्त करिए, क्या आप लोग लेकर के जाएंगे? कोई लापरवाही तो नहीं करेंगे? यही बात कहते हुए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहारनपुर की इस पावन धरा पर आप सबकी ओर से, सहारनपुर वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।